हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 41D चैनल में। तो हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके TGT, PGT, नेट, JRF के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स है लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, वारसा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर होगा लंदन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप कहें क्वेश्चन, लीनो प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताइए। तो आपको पहला काल है 1915 से 1978 ईस्वी, 1951 ईस्वी से 1964 ईस्वी। नेक्स्ट आपका 1902 से 1969 ईस्वी, 1945 से 1919 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका आपका 1915 से 1978 ईस्वी सही ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका व्याख्या किस नाम से की थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से की है, जो लगभग 11वीं शताब्दी में किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका यानी व्याख्या किस नाम से की? तो जयमंगला, रतिमंगला, कला रत्न, शिल्प रत्न। फ्रेंड्स, इसका आपका सही ऑप्शन है जयमंगला, यानी करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको, नई दिल्ली में आधुनिक कला दीर्घा जो है वहाँ पे प्रति 3 वर्षों में प्रदर्शनी लगती है, जिसे तिरनाले के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। तो इसका आपका सही ऑप्शन है मुंबई, यानी करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, धूल चित्र किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, धूल चित्र किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है रंगों के चूर्ण से बना चित्र, फूलों के पंखुड़ी से बना चित्र, द्रव्य मिश्रित रंगों से बना चित्र, लकड़ी की बुरादे से बना चित्र। तो फ्रेंड्स, ये आपका इसका रंगों के चूर्ण से बना चित्र जो है उसे धूल चित्र कहा जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है आपका, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं? तो 2, 8, 6, 10। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 6 यानी 6। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताएंगे, सिगरिया की जो गुफाएं हैं वो श्रीलंका में पाई जाती हैं, जो जहाँ महेंद्र वर्मा और उनकी बहन दोनों लोग जो है वहाँ पीपल के डाल को लेकर गए थे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो में
किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं खजुराहो। तो फ्रेंड्स, खजुराहो में ऑप्शन है आपका शैव, वैष्णव, जैन या तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका तीनों ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है आपको, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? तो फ्रेंड्स, सहचरी, अलौकिक, सहचर, वाहन। तो फ्रेंड्स, का सहचरी ऑप्शन सही, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें तथा हमारे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।